अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने किया पंजाब के मुख्यमंत्री के घर का घेराव, घबराई कांग्रेस सरकार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही बात कर रहे थे पंजाब की, पंजाब से आई है बड़ी खबर। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के चलते इसके पूर्व बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने कांग्रेस की सरकार को अल्टीमेटम दिया था। कहा था कि हमारी जो मांगे हैं वो 10 तारीख तक पूर्ण करो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। आपको बता दें कि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल इन्होंने संयुक्त तरीके से एक बड़ा आंदोलन किया है और कांग्रेस की सरकार का जो मुख्यमंत्री है उनके घर का घेराव कर दिया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल इनके इस आंदोलन के पीछे कुछ मांगे थी, उनकी क्या मांगे थी आपको बता दें कि ये आम जनता की मांगों को लेकर ये सड़कों पर आए थे और ये इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा था। हजारों कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए और कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके घर का घेराव किया। इनकी मुख्य मांगों में से वैक्सीन की जो कालाबाजारी कांग्रेस सरकार ने पंजाब के अंदर किया है उसके विरोध में ये तमाम सारे लोग जो है वो सड़कों पर आए। किसानों के सम्मान में, किसानों के हितों के लिए शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी जो है उन्होंने कांग्रेस सरकार का घेराव किया है। इसी के साथ साथ बहुजन समाज के जो खासकर एससी एसटी और ओबीसी हैं इनके रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर ये भी उनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि उसके रिजर्वेशन को आप पूरी तरीके से ईमानदारी से लागू करें। वहीं पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है उसे काफ़ी दिनों से रोकी गई है, उस स्कॉलरशिप की भी की मांग को लेकर भी यह आंदोलन था। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था, 10 जून का अल्टीमेटम जसवीर सिंह गढ़ी इन्होंने कांग्रेस सरकार को दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बात नहीं मानी। और आपको बता दें कि अब जो है उनकी बात नहीं मानने पर तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के हजारों हजारों कार्यकर्ता जो है अब वो सड़कों पर आकर आंदोलन करने लगे। आइए जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखविंदर सिंह बादल, इन्होंने इस आंदोलन के संदर्भ में क्या कहा। कांग्रेस के मानयोग अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने 4.5 साल का ढिला करप्ट भ्रिष्ट प्रशासन, अब वो करके जो पंजाब वा वो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के गठजोड़ के बाद जिस शिद्दत के नाल देखण लगा आ, इस गल का सबूत है कि पूरे पंजाब के जोड़ा तीसरे बदल की जी नामबंदी है वो नज़र आ रही है। और ये घटाले तुम जो लिस्ट देखनी हो, देखो कोरोना काल च जरा वो राशन वंड का घटाला होया, भरत भूषण आशू जी उसे शामिल इल्जाम लगे और उस तो बाद आ जाओ ये जंगलात महकमे घटाला होया साधु सिंह धर्मसोत, वो तो दुक्का ही मार गया, बाकी तो एका मारते सी दुक्का मार गया। और उहदे नाल ही वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का घटाला जिहड़ा 303 करोड़ का, और जिहड़े चीफ सैकटरी सिगट पार्टनर सोशल वैलफेयर के किरपा शंकर सरोज जी ने शरेआम इल्जाम लाता, और आ ताज़ा ही जिहड़ा मानयोग बलबीर सिद्धू जी ने जिहड़ा कीता करोना वैक्सीन के उत्ते, देखो 400 रुपए की वैक्सीन 1060 रुपए के विच बेचनी और फतेह किटा का भी सबूतां सहित जिहड़ा हैगा आ बहु श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ ने नंगा कर दिता है। और पूरे पंजाब दे विच जिहड़ी कांग्रेस घटालियां दी मां आ, इन्हां दे जिहड़े करता धरता जिहड़े इन्हां दे रहे आ मान जो पहली कांग्रेस गौरमेंट, भारत दी जीप घटाले तो शुरू होके घटालियां दी लिस्ट इन्नी लंबी आ कि 80 लाख करोड़ का, मैं सोशल मीडिया से मैं गूगल से मैं सवेरे सा देख रहा है 80 लाख करोड़ का जिहड़ा वड्डे जिहड़े टोटल घटाले और पंजाब का बजट जिहड़ा आ मात्र 1.5 लाख करोड़ का आ, इहदा मतलब 80 साल पंजाब का खर्चा फ्री किया जा सकता जी, एड्डी बड़ी कांग्रेस घटालिया की। कैप्टन जिहड़ा हैगा उन्हें धक्का देखो किन्ना कर रहा है, 20 लाख करोड़ की जमीन 20 लाख माड़ा मुख्यमंत्री की हो सकता है।
जैसे ही बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के नेता इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके घर का जैसे घेराव किया, तो पुलिस जो है उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, यहां तक कि उनके ऊपर पानी की बौछार की गई, लाठी चार्ज किया गया और कार्यकर्ता जख्मी हुए। आपको यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। आपको यह बता दें कि जैसे ही वहां पर बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की खबरें जैसे ही चलने लगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो घबरा गई। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के होश उड़ गए बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के इस आंदोलन को देखते हुए, अब वह डरी हुई महसूस कर रही है। आपको ये बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल किसानों, मजदूरों और दलितों और तमाम पिछड़ों के न्याय के लिए और हितों के लिए आज सड़कों पर आई है और आने वाले समय में इन तमाम लोगों के हितों के लिए वो काम करने वाली है, ये इनके गठबंधन से जाहिर हो रहा है। और ये बात जो है अब मनुवादी जो पार्टी है वहाँ की कांग्रेस, इसे ये बात पच नहीं रही और इसीलिए अब उन्होंने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। पुलिस का इस्तेमाल, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल जो है वो अब शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।